हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज आप कर रहे हैं नवा चैप्टर घात अते घात अंक, चैप्टर 12। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 12 की सी तुसी पहला भी किया हुआ अपने पिछलिया क्लासा च। घात अंक पता करते सी किन्नी घात है, ठीक है, पर अज इत्थे आपां कुछ नवा करांगे। तो देखो चलो करते हैं स्टार्ट। जिवें आ लिखा हुंदा है कि 10 दी घात 24 है, ठीक है, तो इत्थे 24 की है बच्चों, 24 नूं की कहांगे घात अंक, अते 10 की होगा बच्चों इत्थे आधार, 10 आधार है इत्थे अपना, तो 24 की है उहदा घात अंक। तैनू बोलिया की जांदा 10 दी घात 24, ठीक है बच्चों। जिवें आपां ने पिछलियां क्लासां च भी कीता होया कि 10 दी घात 4, तां आपां की करदे सी 10 नूं 4 वार लिखदे सी, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, फिर इहनां दी गुणा कर देनी, जिन्नियां जीरो ने 1 लगा के उन्नियां जीरो लगा देनियां, ठीक है बच्चों। ये करते सी पहला, आपां पहला पिछलियां क्लासां च आपां ने कीता होया, बट इस हुण अज इस चैप्टर 12 च नौवीं क्लास च आपां की करांगे कि घात माइनस 4 ही है, घटाओ 4 ही है, ऋणात्मक, ठीक है। तो इहनू किवें हल करांगे बच्चों आपां, ठीक है, इहदे लई की होगा कि इहनू उल्टा दिता जाऊगा, 1/10 दी 4 कर दांगे इत्थे, फिर उवें ही इहनू 4 वार लिखांगे, ठीक है बच्चों। इस क्लास च तुहानू इस तरह के क्वेश्चन आणगे, तां इहदे कुछ फार्मूले भी ने, देखो की ने, कुछ रूल ने, ए दी माइनस एम इहनू किहदे बराबर लिखांगे, 1/ ए दी एम होजू, ठीक है। दूसरा की है देखो, ए दी पावर एम बटे ए दी पावर एन, बटे च आ गया बच्चों, तां की होगा, ए तां इको रहूगा क्योंकि आधार सेम है, उहदियां घात अलग अलग ने, तां ए उही रहूगा, घात की होजूगी एम माइनस एन, घटाओ होजूगा दोनों दा, ठीक है। तीसरा देखो कि ए दी घात 0 होवे तां बच्चों ओ होगा साडा 1 दे बराबर होगा हो। ए दी एम बाहर एन होवे तां बच्चों घात उही आधार उही रहूगा, एम ते एन दी गुणा होजूगी। अगर एक गुणा च आ जाण कि आधार तां सेम है पर घात अलग अलग है, तां उह होजू ए इत्थे एम प्लस एन होजू, जे गुणा होवे विच तां, ठीक है बच्चो। ए दी एम बी दी एम, हुण इत्थे देखो की फर्क आ गया, आधार अलग अलग हो गए पर घात सेम है, तां बच्चो इत्थे की करांगे, ए बटे बी होजू ते घात कठिआं दी एम लग जू, ठीक है बच्चो। तो ए इस तरह के आप अगे क्वेश्चन आंसर करा, तो चलो करते हैं स्टार्ट 12.1। एक्सरसाइज 12.1, तो देखो यदा पहला क्वेश्चन की सी कि 3 दी पावर माइनस 2 है, दूसरा हैगा है माइनस 4 दी पावर माइनस 2, तीसरा पार्ट हैगा बच्चों एदा 1/2 दी पावर माइनस 5, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 च 3 पार्ट ने, उहदे ते आपां तीनों पार्ट करांगे। तो देखो सब तो पहला पार्ट की आया है, 3 दी घात माइनस 2,
तीन की घात माइनस दो। तो बच्चों एक केड़ा फार्मूला लग रहा अपना ए दी माइनस एम कि बराबर दस्या सी। देखो मैंने सब तो पहला एक बटे ए दी एम होजू ये ठीक है। हुण इत्थे आपां तीन बटे दो तीन की पावर माइनस दो की करांगे एक बटे तीन की दो ता एक बटे तीन नू दो बार लिख देंगे तीन तीए नौ ता किन्ना आंसर आजू बच्चों अपना एक बटे नौ आंसर होजू साडा इत्थे ठीक है। हुण देखांगे दूसरा माइनस चार की घात माइनस दो। तो बच्चों देखो इत्थे आधार ते भी माइनस है घात ते भी माइनस है तो ध्यान नाल करांगे आपां किवें आही फार्मूला लगूगा सेम यही ए दी माइनस एम बराबर है एक बटे ए दी एम होजू। तो इत्थे माइनस चार की दो पावर तो एक बटे माइनस चार यह आधार वाला उवें ही रहूगा पर घात वाला प्लस का होजू देखो इत्थे ठीक है। तो हुण एक बटे माइनस चार गुणा माइनस चार तो बच्चों की आऊगा एक बटे माइनस माइनस इतने प्लस हो गया चौकम चौकी सोलह तो सोलह बच्चों इतने अपना आंसर हो जो ठीक है। अगला देखो पाठ तीसरा एक बटे दो दी घात माइनस पांच। तो बच्चों देखो पहला वो सिंपल सीगे आ हुण एक बटे दो च आ गया अपना नंबर तो करांगे तो यही फार्मूले नाल कि ए दी माइनस एम बराबर है ए दी एम होजू। तो एक बटे दो दी माइनस पांच तो एक आहा तो उवें ही लगेगा नीचे जड़ा ये है ये एदे नीचे चला गया तो आ पांच देखो प्लस का हो गया ठीक है। तो हुण इत्थे की करांगे बच्चों नीचे एक बटे दो हो गया इनू उल्टा देंगे तो दो उपर चला जू एक नीचे होजू तो यदि घात पांच ही रहूगी बच्चों इत्थे क्योंकि सिर्फ आपां ने आह रकम नू उल्टाता ठीक है। तो हुण दो नू पांच वारी लिखांगे दो गुणा दो गुणा दो दो गुणा दो दो दूनी चार दूनी अठ दूनी सोलह दूना बत्ती। तो बच्चों इत्थे साडा आंसर आजूगा बत्ती ठीक है बच्चों। तो यह देखो साडा पहला प्रश्न पहले क्वेश्चन दे तीन पार्ट सी तीनों पार्ट आपने कर लेने। अगली वीडियो च बच्चों आप अगे करांगे यह जे पार्ट तुहानू समझ आया वधिया लग्या तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक शेयर अते कमेंट जरूर करियो। अगली वीडियो च आप क्वेश्चन नंबर दो तो शुरू करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।